ताबड़तोड़ ट्रांसफरों से हिल गया यूपी। योगी का एक्शन देख पसीना देने लगे बड़े बड़े अधिकारी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर चला योगी का हंटर। 15 जिलों के डीएम, 8 जिलों के एसपी बदले। देखिए यहां पर पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। कई जिलों के डीएम एसपी पर योगी का सख्त एक्शन। जी, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। यूपी में कई जिलों के डीएम एसपी बदल दिए गए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जिलाधिकारियों के बड़े तबादलों में सरकार की सख्ती की साफ झलक दिखाई दी है। कहा जा रहा है कि हारी हुई लोकसभा सीटों पर तैनात जिलाधिकारियों पर पहले काज गिरी है। मुरादाबाद में तैनात जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अब तक सरकार की आंख के तारे थे, मगर संभल और मुरादाबाद दोनों सीट पर हार के बाद उनको पद से हटाकर साइडलाइन पोस्टिंग दे दी गई है। वो सीटें जिन पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, वहां जिलाधिकारी को हटाकर सरकार ने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी है। जिन आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। आईएएस मेधा रूपम कासगंज की नई डीएम बनाई गई हैं। आईएएस मनीष बंसल सहारनपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। अनुज कुमार सिंह डीएम मुरादाबाद बनाए गए हैं। अभिषेक आनंद डीएम सीतापुर बनाए गए हैं। औरैया की डीएम नेहा प्रकाश हटा दी गई है। मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह हटाए गए हैं। आईएएस राजेंद्र पैसिया संभल के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। बस्ती के डीएम आंध्रा वामसी को विशेष सचिव स्टैंप और पंजीयन और एआईजी पंजीयन बनाया गया है। मुरादाबाद डीएम मानवेंद्र सिंह को विशेष सचिव आयुष बना दिया गया है। रवीश गुप्ता बस्ती के जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नागेंद्र सिंह बांदा के जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अजय द्विवेदी श्रावस्ती के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आईएएस मधुसूदन हुकली कौशाम्बी डीएम बनाए गए हैं। वहीं आशीष पटेल हाथरस के नए डीएम बनाए गए हैं। कानपुर नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा चित्रकूट के डीएम बनाए गए हैं। वहीं दुर्गा शक्ति नागपाल को बांदा डीएम के पद से हटाकर डीएम लखीमपुर खीरी बना दिया गया है। सरकार ने 8 आईपीएस अफसरों के तबादले भी किए हैं। बरेली और मुरादाबाद में बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते यहां के कप्तानों को हटाकर दूसरे जिलों में तैनाती दी गई है। इसके अलावा सहारनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंदौली और मेरठ के भी पुलिस कप्तानों को बदला गया है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपनी टाडा मेरठ के एसएसपी बनाए गए हैं। मुरादाबाद एसएसपी हमराज मीना आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील एसटीएफ लखनऊ के एसएसपी बने हैं। वहीं आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य बरेली के एसएसपी बनाए गए हैं। मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवान सहारनपुर के एसएसपी बनाए गए हैं। तुरपतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। चंदौली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार प्रतापगढ़ के एसपी बने हैं। तो आगरा रेलवे के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे चंदौली एसपी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला। उनका व्यवहार नेताओं के प्रति खराब था, इसलिए मुख्यमंत्री योगी के लिए जरूरी हो गया था कि अपनी पार्टी की आवाज़ सुनकर उन्होंने अधिकारियों को सबक सिखाया। मुरादाबाद, कासगंज, सीतापुर, संभल, सहारनपुर, बस्ती, श्रावस्ती और कौशाम्बी जिले के डीएम हटाए गए। कहा जा रहा है कि सभी जिलों से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि जिलाधिकारी से उनको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारी भाजपा नेताओं का सम्मान नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और सख्त कार्रवाई कर दी। ऐसे में सीएम योगी की इस कार्रवाई पर और इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।